आपकी शादी की तस्वीर को क्या थे? मेरी शादी की तस्वीर नहीं। अच्छा, आप नहीं है? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं है? हाँ ठीक है, वो लग रहा था थोड़े से, शक्ल नहीं यार नहीं, मैं इससे अच्छा हूँ। मुझे शादियों के सीन से नफरत है, नफरत। आपके हर ड्रामे में, हर दूसरे ड्रामे में शादी हो रही होती है बेटा, क्योंकि मैं एक आदमी हूँ, एक आदमी की शादी होती है। हाँ, तो आप कभी आगे क्यों नहीं आए? मैं अब इसका जवाब आपको दे नहीं सकता। अरे नहीं, मैं चाह रहा हूँ आज भी ना एंड पे जो हम पिक्चर खींचे ना, वो ऐसे ही खींचे, आप पीछे खड़े हो, मैं आगे। नहीं, ये सब लड़कियों के साथ काम करता है, लड़कों के साथ मेरा बिल्कुल कोई मसल है ही नहीं, मतलब फीलिंग ही नहीं है। आपको पुलिस पकड़ के नहीं लेकर गई इस केस में? मुझे पुलिस नहीं पकड़ लेके गई। अच्छा 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 अच्छा, चले एक पिक्चर सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, कुछ है आपके पिक्चर्स, ठीक है। अच्छा, ये आपको ना, ये कुछ पिक्चर्स मैंने नोट किए, ठीक है, बल्कि मैंने नहीं, सोशल मीडिया पे भी बड़े लोगों ने नोट किए, ठीक है। आप ये डिफरेंट ड्रामों के डिफरेंट पिक्चर्स हैं, ठीक है, इसमें भी, ठीक है, दीवानगी के पीछे, ठीक है, खाली हाथ, इसमें भी आप, ठीक है, हिरोइन के पीछे, इसमें भी आप, ये अभी जो मैंने किया था, क्या नाम था ड्रामा? वफा बेमोल। यस, ठीक है, इसमें भी मेहमान नहीं बनना चाहता, उसी तरह आप पीछे, ठीक है, इसमें भी उसी तरह आप पीछे, ठीक है, इसमें भी तितली, उसी तरह आप पीछे, इसमें भी ये थोड़ा डिफरेंट है, मगर इसमें भी आप पीछे, तो ये क्या वजह है आपको ना, ये हर हीरोइन के पीछे एक हीरो का हाथ होता है, ये वो चीज़ दिखाना? नहीं, ये मेरा लकी चार्म है, इस तरह की और भी हैं दो तीन, लेकिन ये मेरा लकी चार्म पिक्चर है, मैं शुरू से इस तरह की पिक्चर ज़रूर एक, और ये ज़्यादातर पिक्चर्स, बल्कि 95% पिक्चर्स सिर्फ मेरे इंसिस्ट करने पर ली जाती है। आप खुद कहते हैं वो मेरी पर्सनल कलेक्शन के लिए होती है, पीछे ही होना है। हाँ, तो आप कभी आगे क्यों नहीं आए? मैं अब इसका जवाब आपको दे नहीं सकता, चाहे वेब हो चाहे टीवी हो, क्या जवाब? ठीक है, मैं चाह रहा हूँ आज भी ना एंड पे जो हम पिक्चर खींचे ना, वो ऐसे ही खींचे, आप पीछे खड़े हो, मैं आगे। नहीं, ये सब लड़कियों के साथ काम करते हैं, लड़कों के साथ मेरा बिल्कुल कोई मसल है ही नहीं, मतलब फीलिंग ही नहीं है। चलें, मुझे आप कुछ और सोच कर कर लें, कुछ आप इतने इरिटेट क्यों हो रहे हैं इस बात में? आप क्यों चाहते हैं मैं आपके साथ ये तस्वीर खिंचवाऊं? मैं चाह रहा हूँ ना एक मेरी कलेक्शन के लिए। यार कासिम, देखिए ना, आप मुझे आगे अच्छे लगेंगे ना पीछे अच्छे लगेंगे, मैं आपके साथ खड़ा होकर खिंचवा ले तो। अच्छा, वो चाय ठंडी हो रही आगे, वो तो पी लें। पी लें? हाँ पी लें, पी लें, कोई ऐसा मसला नहीं, ठंडी हो जाएगी, वैसे कोई ज़ाए हो नहीं है, कोई मसला नहीं, थोड़ी ठंडी करके। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले चले। अच्छा, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, आपको याद है ये एक ना ड्रामा था आपका, ठीक है, दीवानगी था। यस, दीवानगी, ठीक है, उसके अंदर ये एक जो गाड़ी थी, ठीक है, वो गाड़ी जो थी ना, ठीक है, ये वाली, ये जो कराची स्टॉक एक्सचेंज धमाका हुआ था उसमें यूज़ हुई थी वहाँ पे, तो लोग वो कह रहे थे कि आपका ड्रामे का कनेक्शन क्या है इसके साथ? कोई कनेक्शन नहीं है, ये मैं लाहौर में था छुट्टियाँ मनाने के लिए आया हुआ था, तो मेरे एक दोस्त ने ARY में होते रज़ा मूसवी, उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझसे कहा कि यार वो तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं हाल चाल पूछना था। फिर एक और दोस्त की कॉल आई, फिर एक और की कॉल आई, तो मैं घबरा गया कि हुआ क्या है, जंग छिड़ गई है लाहौर में, कोई मसला हो गया। तो मैंने रज़ा को कॉल की, क्या हुआ है, कॉल बार बार क्यों सब कर रहे हैं? तो तुम न्यूज़ नहीं देख रहे? नहीं, न्यूज़ लगा के देखो। मैंने लगाई न्यूज़, ARY डिजिटल, ARY न्यूज़ लगाया, तो उस पर मेरी और ये एक्ट्रेस हैं हमारी जोरे क्लिप चल रहा था, और लिखा हुआ आ रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज में जो धमाके में इस्तेमाल हुई गाड़ी उसका पता चल गया, और साथ हम दोनों को चला रहे थे। तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा किस बात पे कि आपको एक गाड़ी मिली जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो पार्किंग थी ये हिल पार्क, एक जगह है कराची में, वहाँ पे पार्किंग में लगी हुई थी ये गाड़ी, और हम सीन शूट कर रहे थे, ना ही हमारी हाइट थी ना हमारा कोई ताल्लुक था। तो फिर आप एक्टर्स के चेहरों को ब्लर करें, क्योंकि कोई भी एसोसिएट कर सकता है मुझे इसके साथ, लेकिन वो फिर असद कुरैशी साहब, अब्दुल्ला कादवानी साहब ने इंटरवीन किया, और उन्होंने जो भी रेलिवेंट एजेंसीज थी उनसे बात की कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ये गाड़ी वहाँ पार्क थी और इत्तेफाक से वो शूट हो गई। आपको पुलिस
पकड़ के नहीं लेकर गई इस केस में, मुझे पुलिस नहीं पकड़ लेके गई। अच्छा 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 अच्छा, वैसे मैं और आपको बता चुका हूँ, वैसे मैंने शेयर किया था, किसी ने आपका ना पुलिस ने आपका नंबर लिया था, मैंने उन्हें दे दिया आपसे कॉन्टेक्ट नहीं है। नहीं, वो चाय पीने के लिए आएंगे मेरे पास। अच्छा, बल्कि अब तो मैं किसी को पकड़वाना भी चाहूँ, किसी को भी अगर कोई मुझसे जरा सी ऊंची नीची बात करे तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है, इसका मतलब आपका कोई वो नहीं है इसके साथ लेंगे। अच्छा, ये ना क्या कहते हैं आपकी ना नंबर दे, 10 में से कितने नंबर देंगे आप शादी की तस्वीर को इसकी? मुझे शादियों के सीन से नफरत है, नफरत। आपके हर ड्रामे में, हर दूसरे ड्रामे में शादी हो रही होती बेटा, है बेटा। मैं एक आदमी हूँ, एक आदमी की शादी होती है, लेकिन मुझे नफरत है शादी के इवेंट से, क्योंकि वो शुरू होते हैं शाम को और वो ख़त्म होते हैं सुबह को, तो वो जो रिवर्स साइकिल में काम है ना, मुझे उससे बड़ी नफरत होती है। तो मैं नंबर देना नहीं चाहूंगा, मैं अपनी दुल्हनों को नंबर दे सकता हूँ। यस यस, दे दे, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। हाँ, ये मोमल खालिद है, ये मेरी पहली जो मुझे मेन रोल अगर किसी ड्रामे में मिला था तो उसमें मेरी हीरोइन थी, इनको मैं 10 में से 10 दूंगा। ठीक है ठीक है, इनको कितने देंगे? ये क्या नहीं, ये सारा खान इंडिया से आई हुई थी, ये इंडियन एक्ट्रेस हैं, ये भी बहुत अच्छी थी, इनको 8 दे देंगे। ठीक है, ये इनको एमन को 10, एमन को 10। ठीक है, इनको सनिया शमशाद को, सनिया शमशाद। अरे स्माइल क्यों आई हो? नहीं, क्योंकि ये हम सब जानते हैं सनिया को, इसलिए तो मैंने कहा मैं इनको भी 10 ही दूंगा, क्या करूं अब, इनके कितने नंबर काटूं? इनके वैसे शादी होगी, नंबर काट दें, काट दूं तो इनको फिर 7 नंबर दे दे। ठीक है, एक शादी का। ठीक है, इनके, इनको मैं दूंगा 5 नंबर। इनका क्या नाम है? जुबाब राना। रुबाब राना, जुबाब राना, जुबाब राना। मुझे काफी ना लोगों के नाम नहीं पता, सॉरी, वो मैं ड्रामे कम ही देखता हूं। रिसर्च किया करें ना आप अपनी। हां, मैंने वैसे पिछले, आप मेरी हीरोइंस की इंसल्ट करेंगे। वैसे मैंने पिछले 15 साल में ना सिर्फ एक ही ड्रामा देखा, वो हमारी सईद वाला, मुझे नाम मेरे पास, मेरे पास तो मोहला, वो अच्छा ड्रामा था। उसमें आप क्यों नहीं थे? हुमायूं भाई थे ना। हाँ हाँ, यस यस, ये आयजा खान को 10 में से 20 नंबर। आयजा खान मुझे बड़ी पसंद, 20 नंबर। नहीं नहीं, आई आल्सो लव हर, मगर इनकी भी शादी होगी। मेरी बहुत अच्छी करीबी दोस्त हैं, तो सोच समझ के बोलिएगा, दानिश भी और आयजा भी। ठीक है ठीक है, आयजा का नंबर है ना, मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगा। रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं वैसे पूछ रहा था। अच्छा, ये आजरा को 10 में से 50 नंबर। अच्छी है। अच्छा, इन, ये आपको ये गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ शादी वाले? यार ये मुझे गुस्सा शादी, क्योंकि इवेंट का सीन लेट हो गया था, वो गुस्सा मैं शादियों के सीन में निकाल। बारात लेट आई थी, मैं बारात, मैं बारात मेरी ही थी, मैंने ही लेके आई थी ना। अच्छा, तो वो दूसरे लेट आए थे? नहीं, शूट लेट हो रहा था, शूट लेट हो रहा था, लेट लेट। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये, ये तो मेरी असल शादी है। अच्छा, ये असल शादी की भी तस्वीर आ गई है? ठीक है, इनको आप कितने नंबर देंगे? ये तो सारे नंबर इन्हीं के, कितने हैं जितने बाकियों को दिए वो इन्हीं से लेके दे रहा हूँ, जो वापस लेना चाहे नंबर ये ले सकती है, और ले लेती होती हैं ये जितने नंबर मैंने दिए हैं, ये जब शो चलेगा तो आपको कॉल आएगी हमना की, और वो कहेंगे कि सारे नंबर वापस करो। अच्छा, शायद आयजा और हाजरा के नंबर थोड़े बहुत रहने थे, बाकी सब के नंबर वापस होंगे। मुझे पता, मैं अभी बांट रहा हूँ, कभी वापस आ जाएंगे। चले, हो जाता सब नंबर इन्हीं के, शादी के बाद ऐसे होता है? नहीं नहीं, मेरी अलहमदुल्ला शादी, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि शादी के बाद ऐसा ही होता है, मेरी शादी बड़ी ज़बरदस्त है। इस, ये इस, आप, आपकी शादी की तस्वीर को क्या थे? ये मेरी शादी की तस्वीर नहीं। अच्छा, आप नहीं है? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं है? हाँ ठीक है, वो लग रहा था, थोड़े से शक्ल मिल रही थी। यार नहीं, मैं इससे अच्छा हूँ। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, नहीं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं ठीक है, चले गलती से आ गई होगी। अच्छा, इनको क्या देंगे? इनको क्या दूँ मैं, इनको दे चुका हूँ मैं 8 नंबर सारा खान को। अच्छा अच्छा, बार बार हुई नहीं, स्वागत वाली है ना, नहीं, हाथ में ये, मैं टॉर्चर कर रहा था, ये प्यार नहीं कर रहा मैं इनको, प्यार नहीं कर रहा, ये मैं इनकी उंगलियों में कोई चीज फंसा के उसे दबा रहा था। क्यों ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि ये टॉर्चर करने का सीन था, तो मेरा आइडिया ये था कि ये करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं, हर हस्बैंड को ये करना चाहिए? नहीं, मैं जब टॉर्चर किसी को करता हूँ ना कासिम भाई, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो ये लोगों को क्या सिखाना चाह रहे हैं? मैं लोगों को कुछ नहीं सिखाना चाह रहा, जिनको टॉर्चर कर रहा हूँ उन्हें सिखाना चाह रहा हूँ। आपने कुछ सीखना? नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा, ये तो वहीं आ गई हैं, ये वहीं आ गई। हाँ हाँ हाँ, इनको क्या स्कोर दें? ये कौन है? इनको भी ये नई है एक्ट्रेस, इनका नाम है कोमल मीर, और बहुत मेहनती और बहुत इंटेलिजेंट हैं, और इनको भी मैं 10 में से 10। पाकिस्तानी नहीं लगती, ये अंग्रेज लग रही हैं।
इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि 10 में से 10 दे रहा हूँ मैं भी 10 देता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं उनसे पूछ ले वो आपसे नंबर लेंगी भी कि नहीं। नहीं 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 लेंगी नहीं लेंगी। अच्छा ये आपके कुछ ड्रामाज है ठीक है, आप ड्रामाज को आपने नंबर देने ठीक है, ये आपके इस ड्रामे को क्या नंबर देंगे? यार ये मेरे बड़ा ही करीबी है कैरेक्टर ड्रामा, और मुझे लगता है कि मैंने ये कैरेक्टर जो था ये इस ड्रामे में सब हीरोज़ के 6-6, 7-7 एपिसोड्स का रोल था, तो मेरा भी इसी तरह 7-8 एपिसोड्स का था, बट ये दिस वन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो मैं इस ड्रामे को, और ड्रामा भी डिफरेंट था, तो 10 में से 10 दूंगा। तो मुझे बताइए आप इनके ना तीसरे हस्बैंड बने थे जी जी, थर्ड तो आपने नहीं उन्हें किया था कि यार पहला बना दो या फिर आखिरी बना दो? उन्होंने कहा था कि जितना हम आपको आगे पुश करेंगे उतना लोगों को इंतजार होगा। ठीक है ठीक है। इसमें आपके ना लुक्स बिल्कुल डिफरेंट आई थी है ना, आप बहुत यो लगे थे। तो ये कपड़े कौन से, लंडे से लिए थे आप? नहीं लंडे से नहीं लिए थे, मैंने ज़ैनब मार्केट है कराची में वहाँ से ली थी शर्ट्स। थी बड़ी महंगी थी। अच्छा महंगी थी, ज़ैनब मार्केट में कोई सस्ती चीज़ें नहीं मिलती। अच्छा ठीक है ठीक। ये बड़ी अच्छी, ये किधर पड़ी है शर्ट? जैसे आप करीम ब्लॉक से लेते हैं ना? हाँ करीम ब्लॉक। तो वहाँ पर ज़ैनब मार्केट है, लेकिन ज़ैनब मार्केट ज़रा थोड़ी आपको कैसे पता चला क्रीम ब्लॉक का? मैं तो बताया नहीं। मैं पंजाब में रहा हुआ हूँ, पक्का पेंडू पंजाबी हूँ, तुम की जानते हो मैं उनकी दसा था। नहीं नहीं दस दिया थे। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। इसको क्या स्कोर दें? ये मैं इसको दूंगा गुड 7/10, ये भी बड़ा अच्छा प्ले था। ठीक है इसको क्या देंगे? इसको भी 7/10। ओके इसको, यार दीवानगी बहुत मज़ेदार ड्रामा था। मैं अभी पीसा में नॉमिनेट भी हुआ था अपने दीवानगी के रोल के लिए, बहुत हिट था, तो ये मेरे बड़ा 10/10 वाला ही ड्रामा। ठीक है इसको नज़रबाद। इसको भी 7/10। ठीक है इसको, इसको 5/10। क्या लिखा हुआ है? शहर मलार। शहर मलार ठीक है ठीक। चलिए और ये डोर, डोर बड़ा एक्सपेरिमेंटल था, और बड़े अच्छे डायरेक्टर, बड़े अच्छे राइटर, बहुत अच्छी कास्ट थी इसमें, बट शायद ये उतना अचीव नहीं कर सका शायद अभी, क्योंकि चेंजेस हम उस ट्रांजिशन में, तो लोगों को उस तरह एक्सेप्टेंस नहीं लोगों की तरफ से मिली थी। 7/10 हो सकता है। अच्छा ये कहीं दीप चले? हाँ कहीं दीप जले, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, 9/10। 10/10 क्यों नहीं? मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। मैं मर जाता हूँ ना इसमें, इसमें एपिसोड में, तो फिर बाकी के एपिसोड्स का एक नंबर काट लिया। स्पॉइलर ही दे दिया मैंने, देखना था। नहीं लेकिन आपको पता है मैं जिस ड्रामे में, ये मेरे बारे में मशहूर है बात, कि जिस ड्रामे में मरता हूँ वो सुपर हिट होता है। इनमें से कई ड्रामे जो गुजरे हैं उनमें कईयों में मैं मरा हूँ। नाज़रीन जितने लोगों ने भी आगे अली पास को कास्ट करना है ना, आपने पहले एपिसोड में मार देना। पहले में नहीं मरता ना, आखिरी में तकरीबन मरता। आखिरी में आपने मार देना है ठीक है, तो वो हिट होगा। नहीं मारने का भी कोई लॉजिक होना चाहिए। हाँ मैं मारने वाले सीन्स पर बहुत लॉजिक के साथ मरता हूँ। लॉजिक मरना मरना होता है, लॉजिक हो ना लॉजिक तो मरना होता है, लेकिन एक स्टोरी के अंदर उस कैरेक्टर ने कैसे उस जगह तक पहुँचना है। अच्छा वैसे विलन लोग ही मरते हैं एंड पे, तो आप हर ड्रामे में? इसमें तो मैं हीरो था। अच्छा इसमें हीरो थे? नहीं, नहीं, ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई इमरान अशरफ। इमरान अशरफ मुझे ये बड़ी पसंद है। नीलम मुनीर, नीलम मुनीर तो आपने उन्होंने कहा मुझे नीलम मुनीर दे दो? नहीं मेरे पास अच्छी वाली थी। हाँ वो भी अच्छी। उनका क्या नाम है? नाजिश जहांगीर। और नाजिश जहांगीर ये वही है ना? हाँ वो जिनका, हाँ ठीक है जिनका, हाँ वो, हाँ वही वही, हाँ हाँ चले चले। हाँ किसे चाहूं? किसे चाहूं? ये भी यार ये बहुत अच्छा ड्रामा था, ये मेरे स्ट्रगलिंग डेज का प्ले था, अहमद भट्टी साहब ने डायरेक्ट किया था, महविश हसन इसकी राइटर थी, और इसमें इकरा अजीज भी थी। हाँ इसमें आप बड़े शरीफ बच्चे, हाँ बहुत शरीफ बच्चा बना हुआ था वो, देखिए ना होलिये से लग रहा होगा आपको। हाँ, तो निकली भी है इसको भी 10/10। ठीक है ठीक है। इसे, इसको मैं दूंगा दर्द कुत्ता नहीं, दर्द कुत्ता नहीं, ये इसका नाम था दर्द दर्द कुत्ता नहीं। अच्छा दर्द दर्द कुत्ता, दर्द दर्द कुत्ते नहीं होते जैसे? हाँ वो यार दर्द, आजकल तो दर्द दर्द कुत्ते बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, ये 2-3 नंबर ही दूंगा इसको, अच्छा नहीं था, मुझे नहीं अच्छा लगा। ठीक है इसे, ये तो वहीं आ गया ना, किसी भी टीम के अंदर आप किसे पिटे थे सारे लोग? मोहब्बत किसी, अरे मोहब्बत किसी पिटे। ठीक है ठीक है ठीक, चले वो 5 को क्या दो? इसको मैं दे चुका हूँ 7/10। ठीक है चलें, सारे हो गए ड्रामे। अच्छा कुछ ना कंट्रोवर्सीज और टाइप भी आई थी ठीक है, जैसे कि ये है ठीक है, आपने ये परफ्यूम का आपने ऐड किया था। हाँ, तो ये आप कुछ तैयार नहीं मिल रहे थे, काम नहीं मिल रहा था, इसलिए किया क्या वजह? नहीं परफ्यूम का ऐड क्यों, बुरा ऐड होता है? नहीं ये ऐड टाइप तो नहीं था, ये ऐड नहीं था, ये एक शाउट आउट था।
आपको अभी तक आप अभी उधर पहुंचेंगे जब तक, तब तक दुनिया वहां से भी आगे निकल चुकी होगी। पैसे तो मिले होंगे ना इसको आपको? हाँ बिल्कुल, परफ्यूम देकर उन्होंने टरखा दिया। नहीं नहीं पैसे भी मिले थे, परफ्यूम भी मिले थे, पैसे भी मिले। वो आपने एक इश्तेहार भी किया तो मुझे याद है, वो जो वॉशिंग पाउडर वाला आपका अच्छा चल रहा है। हाँ वो बड़ा वो कह रहे थे वॉशिंग पाउडर की दुकान के लिए अगर एक जलेबी वाला मिल जाए तो बिजनेस दुगना हो जाएगा। हाँ वही वही वो हाँ वो ये याद था। तो वो बोले ना आप ही बोले। नहीं वो मुझे मैंने बोले मेरी निमको की दुकान के लिए अगर एक जलेबी वाला मिल जाए तो बिजनेस दुगना हो जाए। हाँ मेरी निमको की दुकान के लिए एक जलेबी वाला मिल जाए तो मेरा बिजनेस दुगना हो जाए। मेरा नहीं था ना बीच में, आपने ऐड किया सपोर्ट के लिए। अच्छा 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 इनका बिजनेस दुगना हो जाएगा। नहीं इनका भी नहीं था। चलो खैर आगे चले। अच्छा जो वो वॉशिंग पाउडर बिकना रुक गए, इसके बाद क्या हुआ था? नहीं नहीं बहुत बिके थे। बिके थे ठीक है ठीक है। तो आपने उनसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए वॉशिंग पाउडर? आपको मेरे पैसों में क्या इंटरेस्ट है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको मेरे पैसे जान के करना क्या है? मैंने आप हर चीज में इसके पैसे लिए थे उसके। आप मुझे ये बताएं, आपने मुझे 2000 पर डे दिए थे? दिए थे ना? हाँ। दिए थे? हाँ। दिए थे कि नहीं दिए थे? दिये मुझे थे, तो याद भी नहीं है। पैसे दिए थे? बाकी भी दे देते हैं इसी। अब लोगों को नहीं मिलते वहां से, मगर उस टाइम मिल गया। मिल गए। सिंपल ही है ठीक है। एक इंटरनेट पे ना एक बंदे ने शर्ट लगाई थी, एक बंदे ने बताया था क्या अली बास की नेटवर्थ नहीं पता हमें ठीक है, ये अननोन है। तो मैं वो नोन करके उसको बताना नेटवर्थ मेरी गवर्नमेंट को पता होनी चाहिए, मैं आप लोगों को क्यों बताऊंगा? ये भी है, ये भी। अच्छा वो जो वॉशिंग पाउडर का एड बता रहे थे वो आप खुद यूज करते हैं? मैं कपड़े धोता नहीं हूँ। चले कोई भी घर में धोता हो वही यूज करते हैं, वही वाले यूज करते हैं। मुझे नहीं आइडिया, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा तो फिर ऐसे ऐड क्यों करते हैं जब वो खुद नहीं आप यूज करते? क्योंकि मैं आमिर खान नहीं हूँ। ये भी। अच्छा ये आपके मुंह को क्या हुआ था? ये मेरी बीवी ने फिल्टर लगा के मेरी तस्वीर खींची थी, मैं उससे किसी बात की मिन्नत करता था जो डेफिनेटली खाने के हवाले से हो। तो ये आपको मुक्का नहीं पड़ा था ऐसा? नहीं ना मैंने बोटॉक्स कराया ना मुझे मुक्का पड़ा। ये आई बिलीव कोई स्नैपचैट का फिल्टर, ये फिल्टर है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, आपने ऑपरेशन करा लिया था भाई। मुझे लगता है ये तस्वीर है जिसकी वजह से आपने मुझे फैंटेसाइज करना शुरू किया हुआ, और आप बार बार चाह रहे हैं कि मैं आपके पीछे खड़ा हो जाऊं या आगे खड़ा हो जाऊं और मैं लड़की के रोल करूं। ये आप इस तस्वीर, ये हमना का कसूर है। आप ये देखें ये सब नकली होता है, बहुत सी जो इंटरनेट पे तस्वीरें हैं ना वो नकली होती हैं, सब नकली है। आप फैंटेसाइज करना बंद करनी है, बीमारी है एक। आगे चलते हैं हम किस बात। या शॉपिंग करते हैं आप, ये मेडिकल स्टोर से क्या खरीदने रुके? ये मैं आपको क्या लगा, आपका ध्यान तो एक ही जगह जा रहा हो। नहीं नहीं वो ना लोकेट किया हुआ आपने कहाँ पड़े, वैसे वो सामने नहीं रखी होती। सर में दर्द होती है ना बंदे को तो नहीं नहीं पेनाडॉल खाता है बंदा। ये डोर जो ड्रामा हमने किया उसका BTS पिक्चर है ये, इन भाई ने ही लगाई हुई थी मेरा ख्याल है। अच्छा मुझे लगा शायद आपको मिल नहीं रहा जो आप ढूंढ रहे हैं। ये एक सीन में ये आप वो वाला सोच रहे होंगे कि मैं स्टोव, वो एक ऐड चलता था ना कासिम, मैं आपको याद करा रहा हूँ, एक ऐड चलता था बंदा आगे कहता था मुझे वो चाहिए। वो क्या वो जो वो होता है, वैसा कुछ नहीं था। मैं अपनी एग्जांपल दे रहा, मैं भी जब मेडिकल स्टोर से जाता हूँ ना मैं भी हिम्मत जुटा रहा होता हूँ कि अच्छा इसमें हिम्मत जुटाने वाली क्या बात है? पता नहीं उधर शर्म आती है। नहीं नहीं ये तो एक नेचुरल चीज है यार, आती है शर्म। मैं पहले वेट करता हूँ बाहर कि सारे ना अंदर वाले ग्राहक चले जाएं, सारे चले जाते हैं ना मैं फिर मास्क पहन कर अंदर जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे वो चाहिए। और लड़की की आवाज़ में तो नहीं कहते? नहीं 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 ठीक। फिर वो कहते हैं कौन सा वाला, मैं कहता हूँ जो मर्जी देता हूँ बस वो जल्दी से लेकर। आपकी चॉइस नहीं है? नहीं नहीं नहीं। वैसे ही आप और कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें फिर अगर आप इस तरह की? हाँ मुझे पता नहीं और कोई चीज़ का नहीं, ऑल्टरनेट जुगाड़ियाँ हैं, सब जुगाड़ियाँ ही हैं ना लगा लें। मुझे इतना वो एक्सपीरियंस नहीं है। क्या मतलब एक्सपीरियंस नहीं, पता नहीं है ना उसमें एक्सपीरियंस का क्या ताल्लुक है? सर्च नहीं किया, कॉमन सेंस है यार। चले छोड़े छोड़े हम किस बात पे पड़ेगा। अच्छा ये भी आप बड़े परेशान लग रहे हैं। मैं आवाज आ रहा था सीन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। क्यों 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 नहीं समझ? बहुत से सीन्स इतने स्टूपिड लिखे होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि यार ये कैसे बोलना है ये इस जुम्बिश में जो कश्मकश है और ये परवरिश है वो, पता ऐसे अल्फाज होते हैं आप कहते हैं यार ये क्या है यार क्यों बोलूं मैं ये सब। यस यस ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये आपने कहा था कि फवाद खान वाली आपकी लुक्स नहीं है मगर आपकी एक्टिंग फवाद खान से अच्छी है। नहीं मैंने ये नहीं कहा था कि मेरी अच्छी है। एक तो आप लोगों को ये एक जबान है जो यूनिवर्सल है और बड़ी सीधी बात है। क्या लिखा हुआ है? एवरी वन कम्स इन टू द इंडस्ट्री थिंकिंग दैट ही विल बी प्लेइंग द हीरो बट ओवर द ईयर्स आई हैव आइडेंटिफाइड माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आई कांट कम्पीट विद फवाद खान इन टर्म्स ऑफ लुक्स बट आई कैन कम्पीट विद एनी वन इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। तो आखिरी बात समझा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है कि मैं फवाद खान के साथ लुक्स में नहीं कम्पीट कर सकता, वो बहुत गुड लुकिंग आदमी है।
बहुत गुड लुकिंग, लेकिन एक्टिंग में मैं किसी से भी कम्पीट कर सकता हूँ. कम्पीट का मतलब होता है कॉम्पिटिशन करना, जिसमें आप जीतते भी हैं और हारते भी हैं. तो मैंने ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप फवाद खान से कह रहे मैं एक्टिंग नहीं, नहीं कतई नहीं. मुझे ये पोस्ट के नीचे गैलेक्सी लॉलीवुड वालों ने लगाई हुई थी, बहुत से लोगों ने गालियाँ दी हुई थी, तो मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं उनको जवाब दूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर एक पढ़ी लिखी चीज़ नहीं समझ आ रही किसी को, तो मेरे समझाने से क्या होगा. आप समझ रहे ना, मैंने आपको समझाया एग्जैक्ट तर्जुमे के साथ. समझ आ गई अब मुझे, तो ये बात ठीक है. ठीक है, आप खान बहुत अच्छे एक्टर हैं. तो ये लिखने के बाद नीचे अपने ना वो पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिखती है ना, तर्जुमा भी होना चाहिए. हाँ ये भी है. अच्छा क्या कहते हैं, कुछ ना सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर ना, ठीक है समझे, वो आपके सामने, ठीक है, पहली दफ़ा मिले हैं आप, या फिर वैसे अकेले में मिले हैं, मगर आप उन्हें कोई पहली दफ़ा कुछ कहना चाह रहे हैं एक लाइन, ठीक है, तो उन्हें क्या आप कहेंगे? ठीक है चलें, इनको रॉकस्टार, ठीक है, इनको आप क्या कहेंगे? अच्छे आदमी हैं, इनके हालात बुरे चल रहे थे पर्सनल लेवल पे, शायद उसका असर इंसान की प्रोफेशनल लाइफ पे भी होता है, उसकी पर्सनालिटी पे भी होता है. तो वैसे बुरे आदमी नहीं, मैं इनसे मिला हूँ, बहुत इज्जत करने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले इंसान. वैसे मैंने देखा था इनके साथ आपका शो, आप हाँ. आपकी इतनी इज्जत नहीं कर रहे थे, आपकी थोड़ी बहुत बिस्ती भी कर रहे थे वो. नहीं नहीं, देखिए आपको पता है एक शो मैं अभी करके आया हूँ, 3 महीने पहले रिकॉर्ड करके आया हूँ, 3 महीने पहले, वो अब तक चल नहीं रहा. तो मैंने उनके प्रोड्यूसर्स को फ़ोन किया कि यार वो शो नहीं चल रहा हमारा, तो उन्होंने कहा कि आपके शो में आपने मसाला नहीं दिया था. तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग यहाँ से और क्रिएटिवली इतने पसमानदा होते जा रहे हैं, इतना स्टैंडर्ड हमारा गिरता जा रहा है, कि जब तक कोई किसी के बारे में गंदी बात नहीं करेगा, जब तक कोई किसी का कोई राज नहीं खोलेगा, जब तक कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी को हिट नहीं करेगा, हम कहते हैं यार शो का. और आप अपनी आवाम को ना वैसा बना रहे हैं फितनाबाज, तो मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए ऐसा. बहुत अच्छे इंसान है यार, और गलती किससे नहीं होती, ये इनकी तो बड़ी बात यह है कि गलती करके माफ़ी भी मांग लेते हैं. यस यस यस, इन्होंने तीसरी शादी करके भी माफ़ी मांगी. हाँ वैसे कहते हैं मैंने तीसरी नहीं की. हाँ अच्छा, इनके बारे में आनिया बहुत पटाखा है. अब इन्हें क्या कहेंगे इनसे मिलकर? इनसे मिलके मैं हंसूंगा खेलूंगा, मैंने इनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है. मैंने मेरी भी मुलाकात करा दें कभी, कराची में होती हैं आप, आए मैं आपके करा दूंगा. पक्की बात? ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा इनको क्या कहेंगे? हाय आपका क्रश. मैं मेरे सामने आई थी, मैं कुछ नहीं कह सका था. सीरियसली? हाँ मुझसे मिलने के लिए आई थी, मैं कुछ नहीं कह सका था. क्यों, आपकी बोलती बंद हो गई? बोलती बंद हो गई, अकला गए थे क्या? नहीं मैं बोलती ही बंद हो गई थी, अकलाना तो बहुत दूर की बात है, मैं बोल ही नहीं सका, मैं देख नहीं सक रहा था इनकी तरफ. इन्हें आपको पहचाना था या आपको समझा था फैन है कोई? नहीं इन्होंने मुझे अपना फैन समझा था. बहुत देर बैठी रही थी, हमने चाय भी इकट्ठे पी एक सेट पे, हम इकट्ठे ये अपने हम कहाँ के सच्चे हैं की शूट करी थी, मैं अपने प्ले की कर रहा था, तो उस तरह मुलाकात हुई. तो मैं तस्वीरों से ज़रूर कह सकता हूँ, मैं इनके सामने नहीं कुछ. चले आपके सामने आप क्या कहेंगे? कि मैं इनसे इनकी पर्सनालिटी से इनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, और जो आज से तकरीबन 12 साल पहले का क्रश वो आज तक है. पहले 10 साल तो अब 12 हो गए, क्योंकि वक्त गुजर गया ना कासिम, 2 साल पहले की बात, टाइम गुजरता है. आप किन रहे हैं? ऑफकोर्स मैं मतलब अगर मैं सीधा सीधा हिसाब लगाऊं तो 2007 से आज तक. बिल्कुल बिल्कुल 12 हो गया, वाकई 12 हो गया, वाकई आप गिन रहे हैं. तो कभी आपको मौका मिला है इनसे? मैंने अभी आपको बताया एक्टिंग करने का, इनके साथ इनका हीरो बनने का. बिल्कुल, तो मैं शौक से करूंगा, क्यों नहीं करूंगा. हाँ जबरदस्त, मेरा खान है, इन जैसा कोई और है ही नहीं. ठीक है, इनको क्या कहेंगे? इनसे कहूँगा कि ये खुश रहें, गाएँ अच्छे गाएँ, और बस और क्या कह सकते हो, मैं इनको जानता नहीं पर्सनली. ठीक है, इनको क्या कहेंगे? इनसे कहूँगा कि ये मेरे भाई हैं, आपको पता है ये मेरे कज़न हैं, इनसे कहूँगा कि लगे रहें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते हैं. इनको क्या कहेंगे? कौन? अलीज़े शाह. अलीज़े, इनसे मैं कहूँगा कि ये अभी गिरी थी रैंप पे शायद, वो है ना? हाँ हाँ वही. इनकी तबीयत पूछूँगा. हाँ नहीं आपको पता भी, इनकी ना रिसेंटली एक वीडियो लीक हुई है, ठीक है, उसके अंदर वो ना चर्स का सिगरेट पी रही, वो आपने वीडियो देखी है? वीडियो से स्मेल आई है बाहर चर्स? नहीं नहीं नहीं, वो चर्स गाड़ी में ना वो जो सिगरेट पी रही है ना वो चर्स वाला है. कैसे पता? बड़ा वाला आपने पिया? बड़ा वाला नहीं, मैं देखा हुआ.
देखा। हाँ, तो वो बिल्कुल वही वाला था। तो आपको नहीं लगता इन्हें ये चर्स छोड़ दिया? आपने वैसे पी नहीं है कभी चर्स? नहीं नहीं कभी। तो आज आपको पिलवाते हैं, किसी से कहते हैं आपको पिलाए, फीलिंग तो पहले उसके लिए, फिर इनके बारे में भी देख लेंगे क्या है। ठीक है ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा इनको, इनका काम नहीं देखा मैंने। अच्छा, तो वो चर्स पीने क्या आपको मशवरा दे सकते? यार उनकी जिंदगी है भाई, वो चर्स पिए, वो अफीम पिए, वो गांजा पिए, मुझे इससे क्या है यार। चलो ये भी है, ये भी है, जब छोड़नी होगी छोड़ देंगी। अच्छा, यानी आपको लगता है ये गांजा अफीम भी पीती है? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर उनका दिल करे। अच्छा, जो मर्जी करे यार। अलीजे अलीबास कह रहे हैं अगर आपका दिल करे ना तो आप चर्स के साथ अफीम और गांजा भी मिला कर ना पी सकती हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। अगर वो ये क्लिप देखेंगी तो उन्हें पता होगा कि मैंने ये नहीं कहा। वही ना। हाँ, चलो। हाँ, इनको क्या कहेंगे? ये जैसी हैं बहुत अच्छी हैं, ऐसी रहे, और शी इज अ सुपरस्टार। यस यस, आई लाइक हर टू। यस, इन्हें क्या कहेंगे? यार देखें, मेरी बात सुने। एक तो ना बातें समझाना, बातों को, बड़ा मुश्किल काम है। मैडम नूर जहाँ लेजेंड हैं, अली अजमत भी लेजेंड हैं, दोनों लेजेंड्स हैं। जो आपने ये इंटरव्यू देखा है इनका? यस। अच्छा, ये इंटरव्यू के अंदर बेसिकली आप अली अजमत को जानते हैं? मेरे कज़न हैं। यस यस, बहुत पर्सनल। एक दफ़ा आपकी शादी पे मिलाते हैं। मेरी शादी पे भी आप मिले होंगे, बिल्कुल। इनका एक अंदाज़ है, जैसे आपका एक अंदाज़ है, तो आप यहाँ पर लोगों के बारे में जो बात कर रहे हैं एक मजाक में कर रहे हैं, उसमें शायद आप किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई मैसेज भी दे रहे होंगे। इन्होंने ये बात की थी कि जब हम छोटे बच्चे थे तो तब हम ये सोचते थे, आप समझ रहे हैं? तो वो जो भी अल्फाज बोले वो एक छोटे बच्चे की मेमोरी से निकले हुए अल्फाज थे। ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि शायद थोड़ी सी एहतियात की जा सकती थी लफाजी में, ही शुड हैव चोजन बेटर वर्ड्स, बट देन अगेन उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो किसी को इंसल्ट करे। उस बात में उन्होंने अपनी वीडियो में भी क्लियर की। तो हमें बहसियत कौम थोड़ा सब्र के साथ चीज़ों को समझ के देख के चलना चाहिए। ऐसे ही किसी ने कह दिया कोफ्ता, इन्हू मार दो, इन्हें कोफ्ता कहता है, ऐसे नहीं है यार। वो अपना एक, वो बता रहे थे जब मैं छोटा बच्चा था तो तब एंटरटेनमेंट नहीं होती थी, और ये जो भी उन्होंने अल्फाज बोले कि ये वो होती थी तो हम चिढ़ते थे कि यार ये क्या है। बड़े अली अजमत ने तो इज्जत दी है, इज्जत की है हमेशा। तो उसके बाद लोग इन्हें कोफ्ता कहना शुरू हो गए थे। हाँ, तो ठीक, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो कौन लोग हैं, क्या फर्क पड़ता? कमेंट्स भी नीचे करते हैं। अली अजमत है, फॉर गॉड सेक्स, पाकिस्तान्स बिगेस्ट रॉक स्टार एवर। आप, मैं अली अजमत के गाने सुनते सुनते बड़े हुए हैं। yes. और अभी भी सुनते हैं, बिल्कुल। क्या फर्क पड़ता है अली अजमत को? उनको कोई कोफ्ता के, करेला के, अंब के, फर्क नहीं पड़ता। कोफ्ता, करेला, अंब, हाँ कुछ भी के, फर्क नहीं पड़ता। अली अजमत, हाँ ये भी है, बात बिल्कुल ठीक है। इनके बारे में क्या कहें? यार ये ज्यादा काम करें, पाकिस्तान में फिल्म्स कर रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म्स उस तरह रिलीज़ नहीं हो रही, बट प्लेज भी करें जैसे माहिरा करती हैं। मगर ये वही ना, दिखाई नहीं, सिर्फ इश्तहारों में देखते हैं। असल में उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है ना कासिम, वो उसको मीट करना उनके अपने लिए भी मुश्किल हो रहा होगा। आप देखिए ना कि वो जिस इंटरनेशनल लेवल पर जा चुके हैं, और अभी तो एक और बहुत बड़ी खबर मिस मार्वल के हवाले से आई हुई है, तो अब उसको मीट करना भी तो यार एक काम है ना। मैंने सुने ये एक फिल्म का 1.5 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। यार पैसों में आपको बड़े इंटरेस्ट है भाई, आप बैंक में लग जाएं किसी, कसम से आप बड़े खुश रहेंगे पैसे आते जाते देखते हुए ना, आपको बड़ा मजा आएगा। ये पैसे, पैसा कौन कितना ले रहे हैं पता नहीं, मुझे नहीं पता यार 1.5 करोड़ वो ले रहे हैं या नहीं। हो सकता है वो 1.5 करोड़ ले रहे हो सकता है, क्या पता। यस यस यस, माया हमारे सामने स्टार बनी है और बहुत मेहनत की है माया ने, और अब आके माया, मेरा ख्याल है थोड़ा ज़्यादा चूजी हो गई है, तो मैं माया से यही कहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा काम करें, थोड़ा स्क्रीन को ज़्यादा ऑक्यूपाई करें। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, शी इज़ ब्यूटीफुल, एंड शी शुड आई थिंक डू लॉट मोर वर्क देन व्हाट शी इज़ डूइंग राइट नाउ। यस यस, परीजात, अमेजिंग एक्टर, एंड आई एम सो हैप्पी कि परीजात जो है अहमद अली अकबर को मिला, किसी ब्लू वाइट बॉय को नहीं मिला। पहले लोग ने नाम से जानते नहीं थे, मगर अब ने परीजात के नाम से जानते। यार ये तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है ना, ये ड्रामा कितना हिट हो गया बहुत, और वो सिर्फ अहमद अली अकबर की दरअसल जो परफॉर्मेंस है उसने पकड़ा ड्रामे को, फिर आगे जाहिर है ड्रामा भी बहुत अच्छा है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। इनके बारे में
यार इनके बारे में मैं क्या बोलूं। या आपने एक दफा इंटरव्यू में कहा था आपको सबसे पसंद है सबसे ज्यादा। हाँ मुझे लगता है दबंग है पॉलिटिशियंस में जरा दबंग है, अब थोड़े शायद ढल गए हैं, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे तो हम देखते थे कि ये बड़ी मुंह पे बात करते थे। तो फिर कोई शादी का मशवरा क्या दें? खुद आगे वास्ते मैं कोई मतलब है कि कौन हूँ मैं, फिल्म एक्ट्रेस हूँ कोई, मैं इनको शादी का मशवरा दूंगी? वैसे क्या कह के नहीं, अब उन्हें नहीं करनी चाहिए शादी, अब नहीं करनी चाहिए, बस अब टाइम वेला निकल गया। क्या करना चाहिए जो कर रहे थे वो एंजॉय एंजॉय करें। यस यस यस। उनके बारे में आपको लगता है कि मैं कुछ कह सकता हूँ? फर्स्ट कर आप फर्स्ट टाइम मिले हैं, मैं तारीफ करूंगा, मैं तमीज से मिलूंगा, मैं कहूंगा कि जी आपके काम को हम इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं, आपको इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं। मेरे वालिद हैं और अगर इनके पोर्टफोलियो को हम देखें तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े रोल्स किए हैं, बहुत बड़े बड़े रोल्स, तो बहुत से कैरेक्टर्स में मैं अपने वालिद की इंस्पिरेशन लेता हूँ कैरेक्टर्स की। तो अब आपको डांट पड़ती है क्या? ख़त्म हो गई मुझे डांट, मुझे कभी कभी गालियाँ भी पड़ती हैं। हाँ, अभी भी हाँ हाँ। तो अभी क्या हो गया, मैं उनका बेटा नहीं रहा क्या? अभी आप वो हरकतें नहीं करते होंगे ना जो पहले करते हैं। आपको किसने कह दिया? हो सकता है मैं अब वो ज्यादा करता हूँ। अच्छा तो अभी भी बाज नहीं आया? नहीं मैं बाज नहीं आ सकता। चले आ जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम और अली अब्बास साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।